एवरीवन, आई एम रिचा गौर फ्रॉम क्विक मैथ्स. एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 2 अबव, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस. जो हम सेकेंड क्वेश्चन में कर चुके हैं उसी की हम टेबल फिर फॉर्म करेंगे. देखिए, ये स्पोर्ट्स टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर हमें रेड पिगमेंट दिया हुआ है. रेड पिगमेंट कितना? वन पार्ट. सबसे पहले वन पार्ट, तो वो कितने के साथ मिक्स हुआ है? 75 ml ऑफ बेस, बेस पार्ट्स, इतना. तो ये इसके साथ मिक्स हुआ है. अब वो पूछ रहा है कि कितना और रेड पिगमेंट चाहिए. तो रेड पिगमेंट उसको नोन नहीं है, लेकिन बेस वो पूछ रहा है कितने के लिए? 1800 ml के लिए. तो ये नहीं पता हमें. रेड पिगमेंट पूछ रहा है कि कितने पार्ट्स रेड पिगमेंट मिलाना है. उसने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा था कि बेस कितना और मिलेगा. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेड पिगमेंट कितना और मिलेगा. तो जैसे हमने सेकंड में किया था बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम करेंगे. तो हम इसको पहले मान लेते हैं एक्स. तो हम लिखेंगे रेड, लेट द रेड पिगमेंट पार्ट बी एक्स. जो उसका पार्ट है वो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया. एज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हमने सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक्स बाय वाई इक्वल्स टू के. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये जो भी एक्स बाय वाई की रेशियो आएगी वो कॉन्स्टेंट आएगी हर केस में. जैसे कि ये अगर एक्स है तो ये क्या है हमारे पास? y है. ठीक है, तो x बाय वाई कॉन्स्टेंट आना चाहिए. तो इसके अंदर करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? x क्या है? वन पार्ट. y क्या है? 75 ml. ऐसे ही इसमें x है तो इसमें क्या है? 1800. तो ये रेशियो क्या आनी चाहिए? कॉन्स्टेंट. इसको कर लेंगे सॉल्व. ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इससे क्या आएगा? 75 × x = 1800 × 1. तो यहां बनेगा हमारे पास x = 1800 × 1/75. ये आ जाएगा. तो 5 से करते हैं इसको. 5 1 5 5 2 5 1 5 25 5 5 sorry. नाउ इट्स 5 5 3 15, देन 3 30 5 6 0 अगेन 5 5 3 5 7 35, देन 10 5 2 Now 3 3 1 3 3 2 6 12 4 it's 24. So the value of x is 24. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास. रेड पिगमेंट कितने मिलेंगे 1800 ml के साथ, पार्ट्स के साथ कितने रेड पिगमेंट्स के पार्ट्स मिलेंगे? 24 पार्ट्स. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन. थैंक यू.